नमस्कार, वास्तु ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है पंडित देवनारायण शर्मा जी। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका क्या पौराणिक महत्व है। बिल्कुल, आपने एक बड़ा ही सुंदर प्रश्न टच किया। वास्तु पुरुष जो है वो हमारे वास्तु शास्त्र का मूल आधार है और वो ऐसी मान्यता है पुराणों के अनुसार कि वो हमारे भूखंड में ईशान कोण पे सिर रख के उल्टे लेटे हुए हैं। तो ये इनका पौराणिक क्या महत्व है, आइए आज हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो शिव पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार भगवान शिव और माँ पार्वती एक बार मदिरांचल पर्वत पे भ्रमण कर रहे थे और एक स्थान पे पूर्व की ओर मुंह करके दोनों बैठ गए। उसी समय माँ पार्वती ने उनको कुछ मजाक सूझा और वो भगवान शिव के आँख को पीछे से आकर के बंद कर दी। भगवान शिव का आँख, दोनों आँख जब बंद हुआ तो पूरे संसार में अंधकार व्याप्त हो गया, पूरी सृष्टि बंद होने की कगार पे खड़ी हो गई। उसी समय भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोला और उससे प्रकाश पूरे चराचर धरती पे फैल गया। उसकी वजह से अत्यंत गर्मी उत्पन्न हुई और उस गर्मी की वजह से, उस ताप की वजह से माता पार्वती के पसीने से एक अत्यंत ही विकराल व्यक्ति का जन्म हुआ जिसको अंधक कहा गया। माँ पार्वती उसको देख करके भगवान से पूछती है कि ये कौन है अत्यंत पराक्रमी यह अंधक। भगवान शिव को देख के प्रसन्न होके नाचने लगे तो भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा कि ये तेरा पुत्र अंधक है। ठीक उसी समय दैत्यों के राजा हिरण्याक्ष पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या कर रहे थे। भगवान शिव जी उससे प्रसन्न हुए और पुत्र के रूप में इसी अंधक को, हिरण्याक्ष को पुत्र रूप में वरदान दिया। तो इस पुत्र को प्राप्त करके हिरण्याक्ष बड़ा खुश हुआ। हिरण्याक्ष और अंधक दोनों इस संसार में राज्य करने लगे। यह अंधक इतना बलशाली था कि उसके प्रभाव से, उसके बल की वजह से हिरण्याक्ष अत्यंत दुष्कर्म करने लगा, लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगा। तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष को अंत में फिर मारा। अब यह जो अंधक था, अपने पिता की मृत्यु के बाद अंधकासुर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यह अत्यंत प्रतापी राजा था। पहले तो यह वेदांत के अनुसार चलने लगा लेकिन बाद में फिर से पापियों की संगत में पड़ के यह भी पूरे संसार में हाहाकार मचाने लगा। और इसको देख करके फिर भगवान शिव और अंधकासुर के बीच में एक युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में भगवान शिव ने अंधकासुर को अपने त्रिशूल पे ऊपर उठा के मार दिया। इस अंधकासुर और भगवान शिव की लड़ाई से, भगवान शिव के पसीने से फिर एक वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई। यह वास्तु अत्यंत काला कलूटा था, दैत्यों के समान था, विकराल था और यह भी पूरे संसार में अत्यंत प्रतापी राजा के रूप में, दैत्यों के राजा के रूप में सामने आया। और इससे इसने भी अत्यंत कई वर्षों तक के पूरे भूमंड पे राज किया।
जब यह भी अत्याचार करने लगा तो सब लोग देवी देवता सब भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। भगवान ब्रह्मा ने इनको आदेश दिया कि जाओ इस वास्तु पुरुष को जमीन पे उल्टा लिटा दो, ध्यान रहे कि इसका सिर ईशान कोण पे हो, और इसके जब ये लेट जाए तो उसके पीठ के ऊपर में सारे देवता लेट जाना, बैठ जाना। तो इस प्रकार ये जो वास्तु पुरुष है ये हमारे भूखंड में उल्टा होके लेटा हुआ है, और उसके चारों तरफ उसके सिर से लेकर के पैर हाथ में सारे सुर और असुर, सारे देवता और राक्षस जो हैं, दिक्पाल जो हैं, वो उनके ऊपर लेटे हुए हैं। तो इसका क्या महत्व है? ये तो पौराणिक हुआ, अब इसका महत्व क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा कि तू मेरा मानस पुत्र है। मानस मतलब मनस, मन के द्वारा तुम संचालित होगे। तो यह जो वास्तु पुरुष है यह जमीन पे लेटा हुआ है, और जब यह जमीन पे लेट गया और सारे देवता उसके ऊपर में विराजमान हो गए, तो इसने फिर से ब्रह्मा जी की उपासना की और उसने कहा कि मुझे अत्यंत जोरदार भूख लग रही है, तो मेरा क्या होगा? सब लोग ऐसे मेरे ऊपर लेटे रहेंगे तो मेरा क्या काम होगा? तो ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष को आशीर्वाद दिया कि जब भी किसी भी जगह कोई भी निर्माण कार्य प्रारंभ होगा, कोई भी बिल्डिंग बनेगी, कोई भी तालाब का निर्माण होगा, कोई भी कुएं का निर्माण करेगा, तो सबसे पहले तुमको संतुष्ट करेगा, तुमको हर प्रकार से तुम्हारी भूख मिटाने का प्रयास करेगा। इसीलिए जब हम भवन निर्माण करने जाते हैं तो हम सबसे पहले वास्तु पुरुष को संतुष्ट करते हैं, उनको तरह तरह से निवेदन करते हैं। तो इस तरीके से वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई। तो जब भी हम कोई भी निर्माण कार्य करें, और जब हम भूमि पूजन करें, और जब हम गृह प्रवेश करें, तो दोनों समय वास्तु पुरुष को संतुष्ट करना चाहिए, और उनको यह उपहार मिला है कि जो भी उसकी भगवान वास्तुदेव को संतुष्ट नहीं करेगा उसको तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आइए, अगर आपने अपने भूमि पूजन के समय या गृह प्रवेश के समय वास्तु पुरुष को संतुष्ट नहीं किया है तो आओ उसको हम अलग अलग तरीके से संतुष्ट करें।